देखिए ऐसा है कि आज सुप्रीम कोर्ट का इस पर जजमेंट भी आ गया है कि उन्होंने कहा है कि राजीव कुमार जो वहाँ के कमिश्नर हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सीबीआई उनके घर पर जाकर उन्हें गिरफ्तार करना चाह रही थी बिना नोटिस के, ये एक गलत बात है और ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया। और आज सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया, उन्होंने कहा कि राजीव कुमार सीबीआई के समक्ष पेश हों लेकिन उनके घर जाके उनको बिना नोटिस को अरेस्ट करना या उन पर छापा मारना ये गलत है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गया है कि सीबीआई का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा अपने विरोधियों के खिलाफ, ये इसको सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में रखते हुए इस पर जो है अपना उचित निर्णय आज अपना फैसला सुनाया है। और मैं अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी की ओर से इस जजमेंट का मैं स्वागत करता हूं और साथ ही मैं केंद्र सरकार के इस तरीके की विभर्सना करता हूं। जिस तरह से सर उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन हुआ है, क्या आपको लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को रोकने में कामयाब होंगे? काफ़ी हद तक कामयाब होंगे क्योंकि अभी जो उपचुनाव हुए थे कुछ महीनों पहले उसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के गढ़ गोरखपुर में उनका कैंडिडेट हारा भारतीय जनता पार्टी का, और साथ ही इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का गढ़ है, उनका निवास है, आवास वहीं वो रहते हैं, वहीं से वो सांसद चुने गए और वहीं से उस समय वो वहीं के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके क्षेत्र में भी जो है बसपा और सपा के अलायंस का कैंडिडेट जो है वहाँ से जीता और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट पराजित हुआ। इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि प्रियंका गांधी के आने की वजह से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है और मेरा अपना अनुमान यह है कि कम से कम 25 लोकसभा की सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। यह कहना अनिल शास्त्री जी का कि प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में बागडोर सौंपे जाने के बाद उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 25 सीटों पर विजयी होगी। अजय कुमार मिश्रा, ETV, आजमगढ़।